देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। नागरिकता कानून के समर्थन में दमोह में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के समर्थन में निकली इस यात्रा में लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा सुनिए। जिनने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें सभी राजनीतिक दलों को लोगों ने आमंत्रित किया, धार्मिक गुरुओं को किया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को किया, कि जब कोई चीज़ संविधान के मुताबिक कानून बन गई हो और 10 जनवरी 2020 से वो देश में लागू हो गई हो तो व्यर्थ का प्रपंच करने वाले लोग वास्तव में षड्यंत्रकारी है और इस षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए उनका जो प्रयास है वो सराहनीय है। शालीनता के साथ अपने मुद्दों को रखते हुए दमोह शहर में जो जागरण किया, मैं फिर से दमोह परिषद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय मंत्री ने आज सड़कों पर नारे लगाए, एक सामान्य कार्यकर्ता। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जिन मुद्दों को लेकर मैं राजनीति में आया था वो यही मुद्दे हैं। राष्ट्र के हित के लिए हर कार्यकर्ता को, हर नौजवान को, हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इस देश में भ्रम को कोई स्थान नहीं, भ्रांति को कोई स्थान नहीं, भय को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कानून का राज चले, सबके लिए चले, ये इच्छा भारत की सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम सबकी है और मैं समझता हूँ भारत का हर नागरिक इस बात से सहमत है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विपक्ष हमलावर है और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है, लेकिन विपक्ष को जवाब देने के लिए अब बीजेपी भी सड़कों पर उतर रही है और रैली सभाएं कर लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी दे रही है। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट।